पर स्टॉप वॉच का कंसेप्ट देख रहे थे, और स्टॉप वॉच के कंसेप्ट में मैंने यहाँ पर आपको कुछ कंसेप्ट बताया था जिसमें यहाँ पर आपकी स्टॉप वॉच कुछ इस तरीके से यहाँ पर चलते हुए आपको देखने को मिल रही थी, राइट। अगर अपन बात करें इसको एक बार फिर से स्टार्ट पे क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे स्टार्ट पे क्लिक करने पर आपकी स्टॉप वॉच ऐसे चल रही है, राइट। अब अगर हम बात करें हमें आज के सेशन में क्या करना है, तो आज के सेशन में हमें यहाँ पर से एक तो स्टॉप करने वाला कंसेप्ट देखना है, रिसेट करने वाला कंसेप्ट देखना है, बटन पर अपने को उसकी नेम को चेंज करना है, पॉज रिज्यूम ये वाली फंक्शनलिटी उस पर लगाना है ना। और अपन कोशिश करेंगे कि इसके बाद में इसको अपन नेटलिफाई पर डिप्लॉय करके भी देख ले, राइट। तो चलते हैं अपन यहाँ पर कैसे क्या आउटपुट देखने को मिलेगा। तो अपन आ जाते हैं यहाँ पर वापस अपने वीएस कोड पर, और वीएस कोड पर आने के बाद में सबसे पहले अगर अपन बात करें तो अपन रीसेट पर काम करते हैं इसमें। तो रीसेट पर काम करने के लिए मैं करूँगा क्या यहाँ पर, तो रीसेट पर अगर मुझे यहाँ पर काम करना है तो ध्यान से देखना, अगर अपन रीसेट पर काम करें तो जैसे कि आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर आपको दिख रहा है, अपन आते हैं यहाँ पर रीसेट, और रीसेट में मैं क्या लिखूंगा, रीसेट डॉट एड इवेंट लिसनर, राइट। और एड इवेंट लिसनर के अंदर अगर अपन बात करें कि अपन यहाँ पर करेंगे क्या, तो मैंने यहाँ पर सिंपली लिखा है क्लिक, और क्लिक के बाद में फिर मैं क्या करूँगा यहाँ पर, तो अपन यहाँ पर आ गए। अब रीसेट करना है मुझे, अब रीसेट करना है तो रीसेट ही कैसे होगा क्या यहाँ पे, तो रीसेट मतलब वापस से 00 स्टार्ट करना है, वापस से 00 स्टार्ट करना है तो आप यहाँ पर वॉच के अंदर क्या रखोगे, तो वॉच के अंदर आप यहाँ पे फॉल्स रख दोगे, आपको उसको रोकना है ना, ठीक है। अब वॉच करने के बाद में फिर अब आप यहाँ पर करोगे क्या, तो अब इसके बाद में फिर अब आपको यहाँ पर ये जो आपको देके रखा हुआ है क्या, आपका मिनट सेकंड और मिली सेकंड, तो आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा क्या मिनट, है ना। और मिनट में अब आप क्या लिखेंगे, डॉट इनर HTML। अब डॉट इनर HTML के बाद में आपको करना क्या पड़ेगा यहाँ पर, तो आप देखिए इसकी सेटिंग आपने कैसे सेट करी थी कि इसके बाद में आप यहाँ पे जो लगा रहे थे ये कुछ इस टाइप से आप ऐसा लगा रहे थे, है ना। तो अपन यहाँ पर भी क्या करेंगे, तो अपन आते हैं यहाँ पर, मैंने इसे कॉपी किया, और कॉपी करने के बाद में मैंने क्या किया यहाँ पर, और यहाँ पर अपन आते हैं और यहाँ पर आकर अपन लिख लेते हैं कितना मिनट डॉट इनर HTML, और मैंने यहाँ पर लिख दिया है 0+, और 0+ के बाद में अपन क्या कर देंगे डबल कोट्स, और मैंने यहाँ पर इसको ऐसा पेस्ट कर दिया, राइट। फिर अगर अपन बात करें इसके अलावा, मैंने इसे यहाँ पर कॉपी किया, कॉपी करके मैंने यहाँ पर इसको पेस्ट किया और इधर से पेस्ट किया, मिनट के बाद में क्या आएगा यहाँ पर, पहले तो मिली सेकेंड था, मिली सेकेंड के बाद में फिर क्या था आपके पास में, तो फिर आपके पास में सेकेंड, और सेकेंड के बाद में क्या था फिर आपके पास में मिनट, राइट। अपन फिर आते हैं यहाँ पर, यहाँ पर भी अपन क्या करेंगे, तो सेम टू सेम वही जीरो वाला कंसेप्ट लगा देंगे, और ये ऐसी कुछ फंक्शन यहाँ पर रख देंगे। इसी के साथ में आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, मिली काउंट जो देके रखा हुआ है उसको भी क्या सेट करना पड़ेगा, यहाँ पे 0 सेट करना पड़ेगा। उसके बाद में सेकंड काउंट की भी अगर अपन बात करें तो उसको भी अपन यहाँ पे कैसे सेट करेंगे, 0 सेट करेंगे। और उसके अलावा अगर मैं मिन काउंट की बात करूँ तो मिन काउंट को भी मैं यहाँ पे कैसे सेट करूंगा, एज अ 0 सेट कर दूंगा। ज़्यादा क्लियर है सभी को, ठीक है। और फिर अगर अपन बात करें क्या और कैसे, तो चलते अपन देखते हैं एक बार। मैंने इसे सेव किया, सेव करके अपन आते हैं यहाँ पर, जैसे कि आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, मैंने इसे रिफ्रेश किया, मैंने स्टार्ट किया, ये स्टार्ट तो हो गया, रीसेट पे ये स्टॉप होना चाहिए, तो मैंने यहाँ पर रीसेट पे क्लिक किया, तो देखो यहाँ पे ये स्टॉप तो हो गया, लेकिन अभी ये प्रॉपर ऐसा दिख नहीं रहा है। प्रॉपर दिखाने के लिए मेरे को करना क्या पड़ेगा, तो अब सबसे पहली चीज़ तो ये कि यहाँ पे जो मिनट के बाद में आपने जो लगा के रखा हुआ है ना, या फिर अगर मैं बात करिए जो मिली सेकेंड के बाद में लगा के रखा हुआ है, तो आपको मिली सेकेंड के बाद की ये फंक्शनलिटी को यहाँ से हटाना पड़ेगा, और इसके के साथ में आपको यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, 00, ठीक है। और ये 00 अब यहाँ पर कैसा दे रहा है, तो अपन एक काम करते हैं इसको इसके अंदर लिख लेते, बनाते हैं यहाँ पर, जैसे कि आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, मैंने स्टार्ट किया, स्टार्ट करने के बाद में ये ऐसा हुआ, मैंने रीसेट पे क्लिक किया, अब देखोगे यहाँ पे ये रीसेट 0 हो गया, रीसेट 0 होने के बाद में वो स्टार्ट और वो स्टॉप वैसा का वैसा ही, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है आपके पास में। तो ये फिर अगर मैं बात करें अब क्या करना है, तो अब अगर मैं स्टार्ट करने के बाद में स्टॉप पे क्लिक करता हूँ, तो फिर आपको यहाँ पे फंक्शनलिटी थोड़ी सी चेंज करना रहेगी। तो अब स्टॉप पर अगर क्लिक करेंगे तो होगा क्या, तो अपन आते हैं वापस से यहाँ पर, मैं यहाँ पर आया, यहाँ पर आकर मैंने क्या लिखा, मैंने लिखा स्टॉप, स्टॉप डॉट मैंने लिखा यहाँ पर एड इवेंट लिसनर, एड इवेंट लिसनर की केस में अपन करेंगे क्या यहाँ पर, तो मैंने लिखा है यहाँ पे क्लिक, क्लिक के बाद में यहाँ पे क्या करूँगा, तो मैं यहाँ पर आया, यहाँ पर आया, यहाँ पर आ गया, इसमें किसी को कोई दिक्कत। अब यहाँ आने के बाद में आपको करना क्या रहेगा, स्टॉप के अंदर आकर, तो स्टॉप के अंदर आकर आपको सबसे पहले तो चीज़ यहाँ पर ये लिखना रहेगी कि आपको यहाँ लिखना रहेगा वॉच, और वॉच इक्वल्स टू आप क्या करेंगे यहाँ पर, तो आपने स्टॉप लिख दिया है ना, तो स्टॉप के बाद में या चलो ठीक है, इसको तो मैंने अभी हटाया, ठीक है। अभी तो अपन यहाँ पर स्टॉप पर आते हैं, और स्टॉप पर आने के बाद अपन करेंगे क्या, तो अपन ये चेक करेंगे कि अगर, है ना, जैसे आपने स्टॉप पे क्लिक किया है ना, तो आपने यहाँ पे क्या बोला है, तो आपने सिंपली यहाँ पर ऐसा बोला है कि जो आपका वॉच रहेगा उसको आपको रोकना तो पड़ेगा ही सही, क्योंकि रोकना तो पड़ेगा, क्योंकि अगर आपने स्टॉप पे क्लिक किया और रोका नहीं तो वो चलते ही जाएगा। तो अपन देख लेते हैं, अभी नहीं लिखते यहाँ पर, अभी बस अपन कंडीशन लगाते हैं कि मैंने बोला कि अगर यहाँ पर आपके पास में
मिली काउंट, मिली काउंट इज नॉट इक्वल टू जीरो होता है ना, मिली काउंट इज नॉट इक्वल टू जीरो, या फिर आप क्या बोलेंगे यहाँ पर सेकेंड काउंट है ना इज नॉट इक्वल टू जीरो, या फिर आप क्या बोलेंगे मिली काउंट, सेकेंड काउंट और मिनट काउंट है ना इज नॉट इक्वल टू जीरो। अगर ये ऐसा होता है कि मिली काउंट जीरो नहीं है, सेकेंड काउंट जीरो नहीं है और मिनट काउंट अगर जीरो नहीं है, है ना, तो उस केस में आप क्या करेंगे यहाँ पे, तो उस केस में आप यहाँ पे लिखेंगे सिंपली डॉक्यूमेंट डॉट आप लिखेंगे गेट एलिमेंट बाय आईडी, गेट एलिमेंट बाय आईडी में आपने यहाँ पे क्या लिख के रखा हुआ है स्टार्ट, तो स्टार्ट की जगह आप क्या करेंगे यहाँ पे डॉट इनर एचटीएमएल, और इनर एचटीएमएल पर आप क्या प्रिंट करवा देंगे, तो आप वहां पर प्रिंट करवा देंगे क्या रिज्यूम राइट right? और आप यहाँ पर क्या करेंगे, आपने इसे कॉपी किया, कॉपी करके आप यहाँ पर आएंगे, आपने इसको पेस्ट किया और यहाँ पर आप क्या कर देंगे, तो आप यहाँ पर कर देंगे पी ए यू एस ई पॉज, ठीक है, कहाँ पर आपका जहाँ पे ये स्टॉप लिखा है वहाँ पर, क्लियर है। तो देखते हैं यहाँ पर कैसे क्या होगा, मैंने इसको सेव किया, सेव करने के बाद बनाते हैं यहाँ पर, मैंने इसे रिफ्रेश किया, रिफ्रेश करने के बाद आप देखेंगे मैंने इसे स्टार्ट किया, स्टार्ट करने के बाद मैं चल तो गई है, लेकिन अब मैंने क्या करा स्टॉप पे क्लिक किया, जैसे मैंने स्टॉप पे क्लिक किया तो अब देखो ये क्या हुआ, ये तो रिज्यूम और ये तो पॉज में कन्वर्ट हो गया है ना, लेकिन ये यहाँ पर ये तो चल ही रहा है ना, इसको भी तो आपको रुकना पड़ेगा, अब इसको रुकना पड़ेगा तो आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, तो आप यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर आकर आप क्या लिखेंगे वॉच, और वॉच में आप क्या करेंगे यहाँ पर, तो वॉच में आकर आप लिखेंगे एफ एल एस सी फॉल्स। अब यहाँ पर है, यहाँ पर अगर आपने स्टार्ट पे क्लिक किया, स्टार्ट पे क्लिक करने के बाद में होगा क्या, तो स्टार्ट पे क्लिक करने पर ऐसा हुआ मैंने इसको कर दिया स्टॉप, देखो ये रुक गया, ये रुकने के बाद में इधर क्या आ गया रिज्यूम आ गया, और इधर क्या आ गया आपका पॉज आ गया। तो मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि वापस से मैं इस पर क्लिक करूँ तो क्या हो जाना चाहिए, वो वापस से चलना हो जाना चाहिए, तो मैंने इस पर फिर से क्लिक किया तो चलने लग गया, लेकिन अभी भी रिज्यूम और पॉज ही है, जबकि फिर यहाँ पे स्टार्ट और स्टॉप आ जाना चाहिए। तो फिर अब उस केस में आप करेंगे क्या यहाँ पर, तो उस केस में आप यहाँ पर आकर जो आपका स्टार्ट है ना, तो इस स्टार्ट के अंदर जाकर आप क्या लिखेंगे यहाँ पे, आप सिंपली लिखेंगे यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट आप लिखेंगे गेट एलिमेंट बाय आई डी, और गेट एलिमेंट बाय आई डी में आप क्या लिखेंगे यहाँ पे, आप लिखेंगे स्टार्ट, और स्टार्ट में लिखेंगे आप यहाँ पे क्या डॉट इनर एच टी एम एल, और डॉट इनर एचटीएमएल में आप क्या कर देंगे यहाँ पे, आप सिंपली लिख देंगे यहाँ पे स्टार्ट राइट। और अगर मैं बात करें, मैंने इसे कॉपी किया, मैंने इसको पेस्ट किया, तो पेस्ट करने के बाद मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, मैंने यहाँ पे कर दिया है क्या, मैंने कर दिया यहाँ पर क्या स्टॉप, मैंने यहाँ पे क्या किया है, मैंने यहाँ पे लिख दिया है स्टॉप। अब देखें यहाँ पर अब क्या होगा, मैंने स्टार्ट किया, स्टार्ट करने के बाद मैंने रीसेट कर दिया, तो ये तो फंक्शनलिटी सही से चल रही है, आपने फिर से स्टार्ट किया तो चलने लग गया, इसके बाद आपने क्या कर दिया, आपने यहाँ पे कर दिया स्टॉप, तो देखो स्टॉप करने पे इधर रिज्यूम और इधर क्या हो गया आपका पॉज हो गया, उसके बाद में वापस आपने क्या कर दिया रिज्यूम, तो वापस से रिज्यूम करा तो इधर वापस से क्या हो गया आपका स्टॉप है ना। अब आप देखो यहाँ पे वापस से स्टॉप पे क्लिक करोगे ये रुक गया, आप रिसेट कर दोगे तो रिसेट हो जाएगा, अब लेकिन रिसेट करेंगे तो ये रिज्यूम और पॉज तो हटा ही नहीं, तो फिर आपको रिसेट पे भी क्या करना पड़ेगा, स्टार्ट और स्टॉप करना पड़ेगा, आपको क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पर, आप यहाँ पर आए आपने से कॉपी किया और ये जो आपको स्टॉप दे के रखा है नहीं रिसेट जो दे के रखा हुआ है, तो इस रिसेट पे भी जाकर आपने ऐसा कुछ मेंशन कर दिया। आप यहाँ पर आए आपने इसको रिफ्रेश किया, आप देखेंगे आपने इसको स्टार्ट किया, ये स्टार्ट हो गया, स्टार्ट होने के बाद में यहाँ पर क्या हो गया मैंने स्टॉप किया तो ये रिज्यूम और पॉज हो गया, उसके बाद मैंने फिर से रिज्यूम करा तो ये स्टार्ट स्टॉप हो गया, फिर मैंने यहाँ पे स्टॉप किया तो मैंने यहाँ पर रिसेट कर दिया, तो जैसे रिसेट करूंगा वैसे ही स्टार्ट और स्टॉप हो जाएगा। क्लियर क्या है तक, इसमें किसी को कोई दिक्कत, ठीक है। अब अगर अपन बात करें इसके अलावा तो अपने काम करते हैं इसको, फिर अपन उस पर रख देते हैं, किस पर रख देते हैं, अपने नेटलीफाई पर रख देते हैं। नेटलीफाई पर रखने पर होगा कि आपको लिंक मिल जाएगी, लिंक मिल जाएगी तो आपके मोबाइल में भी जो आपकी या तो सेलफोन की स्टॉप वॉच होती है ना, आपने देखा होगा सेलफोन में क्लॉक का ऑप्शन होता है वहाँ पर स्टॉप वॉच आती है, या तो आप उससे भी काम कर सकते हो या फिर आपके सेलफोन से भी काम कर सकते हो राइट। कैसे क्या तो वो अपन देख लेते हैं, लेकिन उसके भी पहले काम करते हैं डिजाइनिंग के तौर पर। यहाँ पर जो आपको आउटर डिप दे के रखा हुआ था ये है ना, तो इस आउटर डिप की मैं विड्थ थोड़ी सी सेट कर देता हूँ, तो इस आउटर डिप की जो विड्थ दे के रखी हुई थी इसकी विड्थ मैंने काम कर देते हैं यहाँ पे लिख देते हैं 40%। मैंने अब इसे रिफ्रेश किया, ये ऐसा कुछ आपको दिख रहा है, ठीक है ना। यहाँ पे मैंने इसकी विड्थ को कुछ इस टाइप से ऐसा सेट कर दिया है ना 40%, 40% के हिसाब से थोड़ा सा मे बी वो हो सकता है क्या आपका कि आपकी जो डिवाइस की जितनी विड्थ रहेगी उसका भी 40% हो जाएगा कि अगर आप उसको कम करते हैं यहाँ पर है ना, तो ये ऐसा हो जाएगा फिर ये गड़बड़ा जाएगा ये आपका है ना, आपको उतना तो मिनिमम रखना ही पड़ेगा उसको, ठीक है। तो उस केस में फिर अब आप करेंगे क्या यहाँ पर, तो उस केस में आपको यहाँ पर बाकी के नीचे के केस में भी वैसा ही करना पड़ेगा है ना, कि जो आपने यहाँ पर डिव वन बनाया है, डिव टू बनाया है और ये जितनी भी चीज़ें लिखी हुई है ना, तो अभी अपन वैसा तो नहीं लिख रहे लेकिन चीज़ें समझ में आई ना कैसे क्या हो रहा है और अपन क्या करना चाह रहे हैं। अगर मैं यहाँ पर डिस्प्ले फ्लैश लिखता हूँ तो मेरा काम इजी होगा क्या,
मैंने इसको यहाँ पर सेव किया। कंटेंट सेंटर तो ये ऐसा हो गया तो गड़बड़ा जाएगा ना। ठीक है, वो ऐसा 3 डी में बनाए ना तो ऐसा ऐसा और ऐसा कंसिडर हो जाएगा वो। ठीक है, अपन यहाँ पर इसको अगर हटाते हैं ठीक, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा इससे। ठीक, इसको तो अपन वैसे ही रखते हैं, है ना। बाकी ये समझ में आया नहीं आता, है ना। इसको अपन एक काम करते हैं, बनाते हैं यहाँ पे और उसको अपन नेटलीफाई पर एक बार अपलोड कर देखते हैं कैसे क्या दिख रहा है। नेटलीफाई पर अपलोड करने के लिए मैं करूँगा क्या, तो मैं यहाँ पर आया और यहाँ आकर मैंने लिखा है नेटलीफाई। तो नेटलीफाई पर आए अपन, यहाँ पर आ गए। यहाँ आने के बाद अपन क्या करेंगे, लॉग इन। लॉग इन में अपन क्या करेंगे, यहाँ पे लॉग इन विद गिटहब, है ना। वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा, अगर वो नहीं हो तो फिर आप इधर उधर से भी लॉग इन कर सकते हैं। ठीक है, या आप देखें यहाँ पर अगर बिना गिटहब के अगर आपको करना है तो लॉग इन विद ईमेल वाला भी ऑप्शन है आपके पास में, बट ईमेल में भी ये फिर आपसे पूछेगा ईमेल और पासवर्ड, है ना। तो उसके अलावा फिर इस पर अकाउंट बनाना पड़ेगा आपको। लेकिन उसके अलावा भी अगर अपन बात करें तो मेरा गिटहब पे अकाउंट है, तो मैं उसी से लॉग इन करता हूँ। ठीक है, इधर ऑथेंटिकेशन एरर दे रहा है, एक बार फिर से ट्राई करते हैं। हमें काम करते एक बार से यहाँ पर आकर कर कर देखते नेट लीफ है। ठीक है, वो लॉग इन टू कनेक्ट विथ योर गिटहब अकाउंट ही बोल रहा है वो, तो अपन ये गिटहब पर ही जा रहे हैं, बट स्टिल वो अपने को अलाउ नहीं कर रहा है। नहीं, वो तो मैंने लॉग आउट कर दिया था। देख लेते हैं इधर, यहाँ पर एक बार चेक। चलिए, मैंने यहाँ पर रीसेट पासवर्ड किया। ठीक है, यहाँ पर अपन हटा देते हैं। चलिए, अपन यहाँ पर आते हैं और यहाँ आने के बाद अपन अब करेंगे क्या, तो लॉग इन विथ योर न्यू पासवर्ड, तो अपन यहाँ पर आए, या फिर अपन एक काम करते हैं, अपन यहाँ पर आते हैं लॉग इन विथ ईमेल।
ठीक है, अपन यहाँ पर आ गए। अब यहाँ आने के बाद अपने को करना क्या, तो अपने को डिप्लॉय करना है। अब डिप्लॉय करने के लिए मैं करूँगा क्या यहाँ पर, तो ये इतनी साइट्स अपने डिप्लॉय करके रखी हुई है यहाँ पे, ठीक है। तो अपन आते हैं यहाँ पर, ये ऐड न्यू साइट, ऐड न्यू साइट पर मैंने क्लिक किया। यहाँ पे क्लिक करने पर ये डिप्लॉय मैन्युअली का ऑप्शन दे रहा है। अपन यहाँ पर आए, अब यहाँ आने के बाद में अपन करेंगे क्या, तो आप सबसे पहले अपन एक काम करते हैं, अपना जो फोल्डर था है ना, उसमें अपन एक काम करते हैं, यहाँ पर अपना जो फोल्डर था उसमें अपन यहाँ पर आए, और यहाँ आने के बाद में आपने देखा ये जावा स्क्रिप्ट और इसके अंदर जो इवेंट्स था, इसमें अपने पास में इंडेक्स वाली जो फाइल थी, मैं इस स्पेसिफिक इंडेक्स वाली फाइल को यहाँ पर किस में रख देता हूँ, एक फोल्डर बनाकर रख दिया यहाँ पर स्टॉप वॉच, ठीक है। इसके अंदर मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, उसको रख दिया। अपन आते हैं वापस से यहाँ पर, जैसा कि आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, अपन यहाँ पर आए और यहाँ आकर वो मुझसे पूछ रहा है ब्राउज टू अपलोड, बनाते हैं यहाँ पर। और यहाँ आने के बाद में अपन क्या करेंगे, अपन अपने उस पर आ जाते हैं फोल्डर पे, और यहाँ आने के बाद में इवेंट्स, और मैंने यहाँ पर आकर क्या कर रहा है, मैंने इसको अपलोड कर दिया, ठीक है, मैंने इसको अपलोड किया। ठीक है, फिर यहाँ पर आप देखेंगे ना, ये मैंने अपलोड कर दिया है, नेटलीफाई पे अपलोड हो गया है। अब अपन एक काम करते हैं, मैंने इस लिंक को कॉपी किया, अपन आते हैं अपने स्काइप पे, जैसा कि आपको दिख रहा है मैंने चैट बॉक्स में इस लिंक को शेयर किया है, आप लोग उस लिंक पे क्लिक करके देखें, जैसा कि आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, आप एक बार चला कर देखें। ठीक है, आप उसको भले ही लैंडस्केप मोड पर चला कर देख लो एक बार, आप उसको लैंडस्केप मोड पर चला कर देख लो, आपके सेलफोन पे ऐसा दिख रहा होगा आपको, देखिए आपके सेलफोन पे ऐसा दिख रहा होगा। आप उसको स्टार्ट करेंगे तो देखेंगे आप यहाँ पे ये स्टार्ट होते हुए दिख रही है आपको, ठीक है। और स्टार्ट होने के साथ में अगर आप इसको क्या करते हो, रिसेट करते हो, तो ये रिसेट भी हो रही है। आप फिर से स्टार्ट करते हो तो स्टार्ट हो रही है, आप वापस इसको स्टॉप करते हो तो ये रिज्यूम और पॉज हो रही है, वापस आपको रिज्यूम करते होते ये स्टार्ट हो रही है, रिसेट करते होते रिस्टार्ट, राइट। तो आपने क्या किया है यहाँ पर, आपने इसको है ना कहाँ पर लेकर आ गए आप, आपके आपने उसको सर्वर पर डिप्लॉय कर दिया, और डिप्लॉय करने के बाद आपने लिंक इसको किस पे ले लिया, आपके सेलफोन पे, मतलब उस लिंक को तो आप कहीं से भी देख सकते हो। थोड़ा सा जब आप डिजाइनिंग करेंगे तो डिजाइनिंग के टाइम पर थोड़ा सा आप ऐसा देखिएगा कि ये थोड़ी सी रिस्पॉन्सिव रहे, है ना, डिजाइनिंग के टाइम पर आप देखेंगे थोड़ी सी वो रिस्पॉन्सिव रहे, राइट। तो आप ऐसा भी देखेंगे तो ये ऐसी दिखेगी आपको, चलती हुई तो दिखेगी ये भी, ठीक है। और बाकी तो सारी फंक्शनलिटी वो वैसे की वैसे क्या होगी, यहाँ पर आपको परफॉर्म होते हुए देखने को मिलेगी। बस वो जो मैंने आप स्काइप पर होंगे तो स्काइप पर मैंने जो लिंक शेयर करी, आप लिंक पे क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली खुल जाएगा ब्राउजर पे, ठीक है। ये नेटलिफाई पे अपन डिप्लॉय करते हैं, ठीक है, ये आपको फ्री में सर्वर प्रोवाइड करता है, ठीक है। ऐसा ऐसे और भी बहुत सारी साइट्स होती है, रेंडर वगैरह भी होते हैं, वहां पर भी आप डिप्लॉय कर सकते हो, राइट। क्लियर है यहाँ तक सभी को, है ना, तो ये कंसेप्ट, नहीं ऐसा मैंडेटरी नहीं है, मैंने डायरेक्टली करा ना, गेटअप से मेरा हो नहीं रहा था तो मैंने डायरेक्टली इसी पे अकाउंट लॉग इन किया, ठीक है। यहाँ तक सभी को क्लियर है, आई थिंक इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना। अपन आ जाते हैं वापस से, है ना। तो अब अगर अपन बात करें अपने वो करना क्या है यहाँ पर, तो अपन अपने एग्जाम्पल पर आते हैं, और अब जो अपना एग्जाम्पल है वो एग्जाम्पल क्या है, तो अब अपन यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको बोला था, अपन एक बिल सिस्टम टाइप बनाने की कोशिश करते हैं, राइट। बिल सिस्टम मतलब कैसे कि मैं यहाँ पर अपना नंबर ऑफ क्वांटिटी लिखूंगा, प्राइस लिखूंगा, जैसे कि अब करूंगा वैसे दोनों का प्राइस कैलकुलेट होकर इधर मेरे पास में टोटल बिल जनरेट हो जाए, राइट। तो अपन ये देखते हैं एक इवेंट का, ये जो एग्जाम्पल अभी मैं बताने वाला हूँ ये आखिरी एग्जाम्पल रखेंगे अपन, है ना, फिर इसके बाद अपन आगे के नए कंसेप्ट से अपन देखेंगे, राइट। क्योंकि ऐसे तो आपके पास में बहुत सारे इवेंट्स ऐसे होते जाएंगे, आप जितने एग्जाम्पल्स देखिए उतने कम, है ना। जैसे कि मैंने आपको बताया था इमेज को स्वैप करना बताया था, मैंने चेकबॉक्स पर आपको बताया था कि यार ये आपके आइटम्स ये सिलेक्ट हुए हैं, फिर उसके अलावा मैंने आपको स्टॉप वॉच भी बताई है ना, फिर उसके बाद में अभी मैं वो बिल वाला भी आपको बता रहा हूँ, उसके अलावा भी हमने बहुत सारे एग्जाम्पल्स वहाँ पर इवेंट्स वगैरह के ऐसे देखे ही थे, राइट। तो चलते फिर अपन यहाँ पर, जैसे कि आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, मैं आ जाता हूँ यहाँ पर, यहाँ आकर अपन क्या करते हैं, तो यहाँ आने के बाद में अपन एक और फाइल क्रिएट कर लेते हैं बाय द नेम डेमो 19,
ठीक है, डेमो 19.html राइट। अपन आ जाते हैं यहाँ पर। अब यहाँ आने के बाद अपन करेंगे क्या, तो यहाँ आने के बाद में अपने एक्सक्लेमेटरी मार्क लगा कर एक बेसिक स्ट्रक्चर तो ले लिया अपने HTML का, है ना। अब बेसिक स्ट्रक्चर लेने के बाद में मैं करूँगा क्या यहाँ पर, तो अपन आते हैं वापस से, अपन यहाँ पर आए, अब यहाँ पर आ गए। अब यहाँ आने के बाद में मैं करूँगा क्या, ठीक है। तो अब यहाँ आने के बाद में अगर मैं बात करूँ तो मुझे क्या करना है यहाँ पर, मुझे वो बिल जैसा कुछ सिस्टम, बिल जैसा कुछ एग्जांपल फ्रेम करना है। तो मैं करूँगा क्या यहाँ पर, तो मैंने सिंपली यहाँ पर लिखा है सेंटर, सेंटर में मैंने क्या लिख दिया यहाँ पर H1 मैंने क्या लिख दिया यहाँ पर, मैंने लिख दिया यहाँ पे बिल इन जावास्क्रिप्ट राइट। मैंने ऐसा कुछ मेंशन किया। अपन आते हैं यहाँ पर। अब यहाँ आने के बाद में अपन करेंगे क्या, तो अपन एक सिंपली टेबल क्रिएट कर लेते हैं, है ना। टेबल क्रिएट करने के लिए मैं लिखूंगा क्या यहाँ पर, तो मैंने टेबल लिखा, टेबल को ओपन और क्लोज किया, मैंने लिखा TR। TR के अंदर मैं क्या करूँगा, तो TR के अंदर मेरे पास में सबसे पहले क्या जाएगा, तो TD आएगा। TD में अपन क्या लिखेंगे यहाँ पर, सीरियल नंबर राइट। दूसरे TD में मैं क्या लिखूंगा यहाँ पर, तो मैंने यहाँ पर लिखा है अपना CATEGORY कैटेगरी, ठीक। मैंने यहाँ पर लिख लिया कैटेगरी। कैटेगरी के बारे में क्या लिखेंगे, तो मैंने लिखा है टीडी में मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे QUANTITY क्वांटिटी। और फाइनली एक और अपन बनाएंगे जिसमें मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे PRICE प्राइस, और यहाँ पर अपन क्या कर देंगे BR, और BR में मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, मैंने लिख दिया यहाँ पे पर पीस, है ना। प्राइस मैंने क्या लिखा है, पर पीस, ठीक है। फिर अगर अपन बात करें इसके अलावा, तो मैंने लिखा TD, और TD में अपन क्या करेंगे यहाँ पे, तो अपन यहाँ पे लिखेंगे टोटल, टोटल की जगह मैंने लिखा है यहाँ पर क्या, अमाउंट राइट। ये मैंने ऐसा कुछ मेंशन कर दिया। अब ऐसा मेंशन करने के बाद में अपन अब करेंगे क्या यहाँ पर आकर, तो अब मैंने बोला एक काम करते हैं यहाँ पर, जो मैंने TD लिखा है, TD की जगह अपन क्या कर देते हैं, TH कर देते हैं। तो अपन आते हैं यहाँ पर, यहाँ पर आकर मैंने क्या कर दिया है, मैंने लिखा है यहाँ पर TH के बाद अपन क्या करेंगे यहाँ पर, मैंने लिखा TH और मैंने यहाँ पर क्या लिखा है TH, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या? फिर अपन बात करें अपन करेंगे क्या यहाँ पर, तो अपन यहाँ तक तो आ गए। अब यहाँ तक आने के बाद में अगर अपन बात करें तो अब क्या करना है, तो अपन वापस से आते हैं यहाँ पर। मैंने लिखा है TR में मैं करूँगा क्या यहाँ पे, तो TR के अंदर फिर से मैंने लिखा है TD के अंदर अपन क्या लिखेंगे यहाँ पर, तो मैंने लिखा है 1, ठीक है। और 1 के बाद में मैं क्या करूँगा यहाँ पर, तो मैंने लिखा है TD में मैंने यहाँ पर लिख दिया है क्या 100 राइट। फिर क्या आता है आपके पास में, यहाँ पे फिर से आपने लिखा TD। अब TD में क्वांटिटी आपको लिखना है, तो क्वांटिटी के लिए आपको क्या लिखना पड़ेगी, एक इनपुट फील्ड बनाना पड़ेगी। इनपुट फील्ड में आप क्या लिखेंगे, तो आप यहाँ पे लिखेंगे नंबर। अब वो जो नंबर की फील्ड आप बनाएंगे, तो नंबर तो पॉजिटिव तो जाएंगे ही जाएंगे, साइड बाय साइड में नेगेटिव भी जा सकता है, नेगेटिव भी जा सकता है। तो आप क्या करेंगे यहाँ पर, मैंने इक्वल टू आप लिख देंगे यहाँ पर 0 राइट। फिर अगर अपन बात करें इसके अलावा, तो उसको मैंने ID दे दी, और ID में मैंने कितना लिख दिया यहाँ पे Q1 बोले, तो क्वांटिटी 1, और मैंने यहाँ पर लिख दिया क्या प्लेस होल्डर, और मैंने यहाँ पे लिख दिया एंटर क्वांटिटी। इसमें कोई दिक्कत है क्या राइट? मैंने ऐसा कुछ मेंशन किया। इसके बाद में अपन आते हैं वापस से यहाँ पर। मैंने इसे क्या किया, कॉपी किया, कॉपी करके मैंने यहाँ पर इसको पेस्ट कर दिया राइट। पेस्ट करने के बाद में अपन क्या करेंगे, यहाँ पे मैंने नंबर ही लिखा है, मिनिमम मैंने 0 ही लिखा है, यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा, तो मैंने लिख दिया है प्राइस, और मैं यहाँ पे क्या मेंशन कर दूंगा प्राइस। क्लियर है क्या यहाँ तक? ठीक है, ये प्राइस भी आ गया। और प्राइस के बाद में फिर अपन क्या लिखेंगे यहाँ पर, तो फिर से मैंने इसको पेस्ट किया, और पेस्ट करने के बाद में मैं क्या करूँगा यहाँ पर, तो मैंने यहाँ पे लिखा है क्या नंबर, और नंबर के बाद में मैं क्या लिखूंगा यहाँ पर, तो नंबर तो नहीं, अपन यहाँ पे सिंपली क्या लिख देते हैं, तो अपन यहाँ पे लिख देते हैं टेक्स्ट, बट मैं यहाँ पे कर देता हूँ क्या रीड ओनली। आप इसको चेंज नहीं कर सकते, आपने इधर क्वांटिटी में लिखा है 5 और एक आइटम आपका 10 रुपए का है, तो जैसे आपने 10 लिखा तो वैसे ही 5 × 10 कितना हो जाएगा, 50 आ जाना चाहिए। अब आप उसको चेंज नहीं कर सकते हो, अदरवाइज अगर आप उसको चेंज कर सकते हो, तो कोई भी उसके अमाउंट को कम ही करेगा, ज्यादा तो कोई भी नहीं करेगा। तो आपने क्या लिखा है यहाँ पे रीड ओनली, मिनिमम तो आपका कुछ आएगा नहीं फिर यहाँ पर। और आपने यहाँ पे क्या लिख दिया है, तो फिर आपने यहाँ पे लिख दिया है आईडी की जगह, अपने काम करते हैं लिख देते हैं ए, सॉरी लिख देते हैं यहाँ पे क्लास, और क्लास में क्या लिख दिया यहाँ पर ए, और यहाँ पर अपन क्या लिखेंगे, तो अपन लिखेंगे एंटर अमाउंट। यहाँ तक क्लियर है क्या? अगर अपन बात करें ऐसे, तो मैंने एक रो में लिखा है, ऐसा मुझे कितनी रो बनानी है, ऐसे मुझे 2 रो बनानी है। तो मैंने क्या करा है यहाँ पर, मैंने इसे सिंपली कॉपी किया, कॉपी करने के बाद में आई सिंपली पेस्टेड हियर एंड चेंजिंग सीरियल नंबर बाय 2, और यहाँ पर मैंने लिख दिया है क्या क्रीम। क्रीम में मैं यहाँ पे क्या लिख लूंगा FAIR NESS फेयरनेस क्रीम राइट। अपन आते हैं यहाँ पे, सब कुछ वैसा का वैसे ही, यहाँ पे मैंने कर दिया है 2, यहाँ पे मैंने कर दिया है 2, यहाँ पे ए लिख रहने दिया, और बाकी की सारी चीज़ें मैंने वैसे की वैसे यहाँ पे लिख रहने दी। ज़्यादा क्लियर है? ठीक है, उसके बाद में अगर अपन बात करें अब क्या करना है, तो अपन वापस से आते हैं यहाँ पर। मैंने इसको फिर से पेस्ट किया, पेस्ट करने के बाद में मैं करूँगा क्या यहाँ पर,
मैंने सबसे पहले तो यहाँ पर वन की जगह तो कुछ भी नहीं करा है ना, यहाँ पे वन की जगह तो मैंने खाली रहने दी, और टू की जगह जो सोप लिखा हुआ था यहाँ पर मैंने लिख दिया जीएसटी, राइट। और जीएसटी अपन क्या बना देंगे यहाँ पर, तो मैंने यहाँ पे जीएसटी के लिए यहाँ लिख देंगे नंबर मिनिमम जीरो, आईडी में मैंने यहाँ पे लिख दिया क्या जीएसटी, प्लेस होल्डर में मैं क्या लिख दूंगा यहाँ पर, तो मैं यहाँ पे सिंपली लिख दूंगा एंटर जीएसटी, क्लियर है यहाँ तक। इसको मैंने यहाँ से हटा दिया और इसको भी मैंने यहाँ से हटा दिया, कोई प्रॉब्लम है क्या, जैसा दिख रहा है आप एक बार वो देख लो। बनाते हैं यहाँ पर जैसा कि आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, अपन यहाँ पर आए और यहाँ आने के बाद में अपन करेंगे क्या, तो अपन एक काम करते हैं इसको जो चलाएंगे, मैं इसको तो यहाँ से हटाता हूँ और एक बार फिर से अपन यहीं पे इसको चलाते हैं। तो चलाने के लिए मैंने क्या करा, मैंने कंट्रोल प्लस एफ फाइव को प्रेस किया, मैं वेब ऐप पर आया, यहाँ आने के बाद आप देखेंगे आपको कुछ इस टाइप से ऐसा देखने को मिल रहा है। अपन इसमें एक काम करते हैं, अपन बॉर्डर दे देते हैं, है ना, थोड़ा सा प्रॉपर हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर आया और यहाँ पर आने के बाद मैंने क्या किया है, तो मैंने सिंपली टेबल पर आकर क्या कर दिया है, मैंने लिख दिया यहाँ पे बॉर्डर, और बॉर्डर में मैं क्या करूँगा यहाँ पर, तो बॉर्डर में मैंने लिख दिया यहाँ पर वन, यहाँ पे यह लिख दूंगा सेल स्पेसिंग, तो सेल स्पेसिंग सेल के बीच में स्पेस मैंने जीरो कर दी है, लेकिन मैंने यहाँ पे सेल पैडिंग कितनी कर दी है, मैंने यहाँ पे 10 कर दिया, मैंने इसे सेव किया। आप देखेंगे यहाँ पर आपको कुछ इस टाइप से ऐसा देखने को मिलेगा। आई थिंक इसमें आपको किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना। अब फिर अपन बात करें इसके अलावा अपन इसमें और क्या कर सकते, तो ये मैंने जीएसटी भी लिख दिया है ना, और उसके बाद में बाकी सारी फंक्शनलिटी ऐसे आपने इंप्लीमेंट कर दिया। बाकी में आपको एक टोटल भी तो बनाना है, अब टोटल बनाना है तो आप टोटल के लिए आप करेंगे क्या यहाँ पर, है ना। तो अपन चलते हैं यहाँ पर, और चलने के बाद में अगर अपन बात करें कैसे क्या दिखेगा आपको, तो अपन एक काम करते हैं, ये जो बचे हुए दो कॉलम है ना, मैं यहाँ पर यही काम करता हूँ कि टोटल का बना देता हूँ कैसे। तो ये जो अपन यहाँ पर आए, यहाँ पर आकर मैंने क्या किया है, मैंने यहाँ पर इन दोनों को कॉपी किया, और कॉपी करके जो जीएसटी है ना, तो इस जीएसटी की केस पे अपन इसके आगे यहाँ पे क्या लगा देते हैं। तो मैं यहाँ पर आया और यहाँ पर आकर मैंने इसे तो हटाया, और यहाँ पर आकर मैंने क्या लिख दिया, मैंने सिंपली लिख दिया यहाँ पर टोटल। तो मैं यहाँ पर आया, यहाँ पर आकर मैं क्या कर दूंगा, तो मैंने यहाँ पर लिखा है क्या नंबर, ठीक है। और ये जो नंबर लिखा है, नंबर के बाद में अपन क्या करेंगे यहाँ पर, तो नंबर के बाद में मैंने यहाँ पे सिंपली लिख लिया है क्या रीड ओनली, भी मैंने क्या लिख के रखा हुआ है क्लास ए, या अभी तो अपन हटा देते हैं इसको, अपन लिख लेते हैं आईडी, और आईडी में मैंने क्या लिख लिया है यहाँ पर टोटल, प्लेस होल्डर में क्या लिखूंगा एंटर टीओटीएल टोटल, या अपन यहाँ पे लिख लेते हैं टोटल अमाउंट, राइट। मैंने ऐसा कुछ लिखा, आप देखें यहाँ पर कैसे क्या दिख रहा है आपको, अपन यहाँ पर आ गए, क्लियर है यहाँ तक। तो इसमें आपने कर रखा है यहाँ पर, तो आपने वहाँ पर कैटेगरी लिखा, प्राइस लिखा, ये सब कुछ ऐसा लिखा है। टोटल को अपन ये काम कर सकते हैं यहाँ पर, ये जो आपको दिख रहा है, मैंने इसको ऐसे कट किया, मैंने इसको बोल्ड कर दिया, बोल्ड करके मैंने यहाँ पे इसको ऐसा रख दिया, आप देखेंगे टोटल आपको ऐसा कुछ देखने को, क्लियर है क्या यहाँ तक, ठीक है। तो ये ऐसा कुछ कंसेप्ट आपको यहाँ पर दिख रहा है। अब अगर अपन बात करें अपने को करना क्या है यहाँ पर, तो अपन अब ऐसा चाहते हैं कि मैं अब यहाँ पर आया, अब देखो यहाँ पर एंटर क्वांटिटी पे आया, तो अभी देखो ये नीचे नहीं जाएगा, जीरो से कम नहीं होगा, जीरो से ज्यादा हो जाएगा लेकिन जीरो से नीचे नहीं जाएगा, राइट। अब अगर अपन बात करें अब इसमें करना क्या है कैसे, तो वो देखते अपन यहाँ पर, लेकिन उसमें भी एक काम अगर अपन करें कि मैं यहाँ पर आया और यहाँ पर आकर मैंने क्या करा, मैंने लिखा यहाँ पर स्टाइल, और स्टाइल में अगर यहाँ पर आता हूँ इनपुट, और इनपुट में मैंने यहाँ पर लिख दिया क्या हाइट, और हाइट में मैंने लिख दिया यहाँ पर 30px, तो देखिए यहाँ पर क्या प्रॉपरली होगा क्या कुछ, हटाना है तो आप पीछे का बॉर्डर वगैरह भी हटा सकते हो जो आपने सीएसएस में देखा था, बट ठीक है लगी हुई तो कोई दिक्कत नहीं है। अब अपने वो करना क्या है, तो मैं ऐसा चाहता हूँ कि मैं यहाँ पर आकर जैसे मैंने लिखा यहाँ पर 5 बेंटर प्राइस, तो प्राइस में मैंने कितना लिख दिया, मैंने लिख दिया 234, तो यहाँ पर जो अमाउंट है ये अपने आप आ जाना चाहिए, ये आपको लिखना नहीं पड़ेगा, क्योंकि देखो मैं लिख भी नहीं पा रहा हूँ यहाँ पर, मैंने ऐसा लिख दिया तो रीड ओनली अपन ने कर दिया, तो अपन लिख भी नहीं पा रहे यहाँ पर, और यहाँ पर भी ये जो एंटर अमाउंट है यहाँ पर भी अपन लिख नहीं पाएंगे, अपन सिर्फ ये यहाँ तक ही लिख पाएंगे, क्लियर है। अब अपन ऐसा चाहते हैं कि मैं इधर क्वान्टिटी लिखूँ और इधर प्राइस पर पीस लिखूँ, तो जैसे ही मैं इधर लिखते जाऊँ वैसे उधर मेरा अमाउंट बढ़ता जाए। तो अब अगर अपन बात करें कि ऐसा अगर मुझे कुछ करना, तो अपन करेंगे कैसे, तो अपन आते हैं वापस से यहाँ पर, जैसे कि आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, आप यहाँ पर आए और यहाँ पर आपके पास में क्वांटिटी है, आपके पास में ये प्राइस है, आपको प्राइस से मतलब है, आप क्या करेंगे यहाँ पर, आप लिखेंगे ऑन, और ऑन में आप क्या करेंगे, तो आप लिखेंगे ऑन की अप, ठीक है। और अब ऑन की अप पे क्या करेंगे आप, सी एल सी यू कैलकुलेट बिल,
यहाँ पे कैलकुलेट बिल नाम के फंक्शन की कॉलिंग करी है। अब इसके अंदर आप पास क्या करेंगे, तो अब इसके अंदर आप पास करेंगे यहाँ पर क्या, तो अब इसके अंदर आपके पास में जो दे के रखा हुआ है आपको क्या, ये आईडी दे के रखी है Q1, Q1 आईडी दे के रखी है। तो अपने काम ऐसा करें क्या, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है Q1 है ना, और Q1 डॉट मैंने अगर वैल्यू लिख दिया तो कोई दिक्कत है क्या। और ये जो मेरे पास में दे के रखा हुआ है P1, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है P1 डॉट वैल्यू, और मैंने यहाँ पे क्या कर दिया है, मैंने पास कर दिया कि मेरी फर्स्ट रो है, मैंने लिख दिया यहाँ पर 1। मैं आता हूँ यहाँ पर, यहाँ से देखना मैंने यहाँ पर करा क्या, मैं यहाँ पर आया हेड के अंदर, हेड के अंदर मैंने लिखा यहाँ पर क्या स्क्रिप्ट, स्क्रिप्ट में मैं क्या करूँगा यहाँ पर, मैंने यहाँ पर सिंपली एक फंक्शन बनाया, फंक्शन में मैंने क्या करा यहाँ पे कैलकुलेट बिल मैंने ऐसा लिखा। अब इसके अंदर क्या आ रहा है यहाँ पे, तो इसके अंदर Q P Y क्वान्टिटी आ रही है, फिर उसके बाद में क्या आ रही है PRIZE प्राइस आ रही है, उसके बाद में क्या आ रहा है यहाँ पर, तो उसके बाद में FILD फील्ड आ रही है आपके पास में, वो कौन से नंबर की फील्ड है। आप यहाँ पर एक काम कर सकते हैं, आप यहाँ पर अलर्ट पर प्रिंट करवा कर देखिए है ना, कि आपको यहाँ पर सम कितना मिल रहा है ना, या आपका टोटल कितना बैठ रहा है। आप करेंगे क्या यहाँ पर, आपने यहाँ पर सिंपली आकर क्या लिख दिया, आपने लिख दिया QPY मल्टीप्लाई बाय PRIZE प्राइस, हमने ऐसा कुछ लिखा है। तो देखते हैं यहाँ पे कि ये आपको आउटपुट मिलेगा कि भी नहीं। तो अपन आते हैं यहाँ पर, मैंने इसे रिफ्रेश किया, रिफ्रेश करने पर आप देखेंगे यहाँ पर क्या हुआ, आपने लिखा 6, आप यहाँ पर आए, अब देखो यहाँ पर एक तो सबसे पहले जैसे की अब किया तो वैसा आया, मैंने लिखा यहाँ पर कितना 9, तो देखो यहाँ पर भी कुछ आया है क्या, कुछ भी नहीं आ रहा है यहाँ पे। तो मैंने कहाँ लिखा था, प्राइस पे तो लिखा था, तो ऑन किया पर ही ऐसा हो रहा है ना। तो अपन एक काम करते हैं, नहीं 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 अभी तो आपको ये चेक करना है कि अगर आप यहाँ से की अप करेंगे तो यहाँ पर आपको कुछ लिखा हुआ तो देखने को मिले है ना, तो अभी यहाँ पर आपको कुछ देखने को मिले तो उसके लिए अपन ने गलत लिखा है क्या। मैं यहाँ पर आया, मैंने यहाँ पर आकर सिंपली क्या करा है, मैंने यहाँ पे करा है प्लस, एक बार चेक करते हैं, यहाँ पर आया मैंने लिखा है 6, अरे मैंने यहाँ पर लिखा कितना 7, मैंने यहाँ पर आया यहाँ पर मैंने कितना लिखा 6, ये आ गया 42, मैंने लिखा 3, ये आ गया 441 है ना। अब मेरे को ऐसा कहाँ पे प्रिंट करवाना है, तो मेरे को ऐसा यहाँ पर उस फील्ड पे प्रिंट करवाना है जो साइड वाली फील्ड है उस पर है ना, तो अब उस पर कैसे प्रिंट करवाएंगे। तो अपन आते हैं यहाँ पर, तो जैसे ही आपको दिख रहा है यहाँ पर, अपन यहाँ पर आए, ध्यान से देखना, अब फील्ड में अपने पास में नंबर आ रहा है ना, तो मैंने यहाँ पे क्या करा, और एक और चीज वहां पर आपने क्या लिख के रखा हुआ है, आपने एरे बना के रखा हुआ है ना, क्लास लिख के रखी है ना, ये क्लास ए, और यहाँ पे भी क्या लिख के रखा है आपने, क्लास ए है ना। तो आपने यहाँ पे क्या कर दिया है, तो आपने सिंपली यहाँ पर ऐसा लिख लिया है क्या, वेर ए इक्वल्स टू क्या, डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट डॉट आप लिखेंगे गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम, और ये तो आपको भी पता है कि क्लास नेम से अगर आप करेंगे तो आपको क्या मिलना है यहाँ पर, एरे मिलना है। अब एरे मिलना है तो आप करेंगे क्या यहाँ पर, तो आप ध्यान से देखना है यहाँ पर काम की चीज, एफ आई ई एल डी अगर फील्ड ना, ध्यान से देखना, अगर आपकी फील्ड इक्वल टू कितनी होती है, 1 होती है, तो आपको भी पता है ये कंडीशनल ऑपरेटर है आपका, अगर फील्ड 1 होती है तो जो ए है, ए ऑफ क्या आएगा यहाँ पर, एफ आई ई एल डी फील्ड माइनस 1, क्योंकि एरे तो 0 से स्टार्ट होता है ना, और फील्ड आपकी क्या थी, 1 थी, तो जो पहले वाला होगा वो क्या होगा, एरे ऑफ 0 होगा, तो एरे ऑफ फील्ड माइनस 1 कितना होगा यहाँ पे, तो एरे ऑफ 0 है ना, तो एरे ऑफ 0 पर डॉट यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया है, वैल्यू, और वैल्यू में मैंने क्या सेट करवा दिया है, मैंने सेट करवा दिया है QTY इनटू PRIZE प्राइस, इसको मैंने खाली छोड़ दिया। फिर अभी अब देखना है पर आउटपुट क्या मिलेगा, बनाते हैं यहाँ पर, जैसे ही आपको दिख रहा है मैंने यहाँ पर आकर क्या किया है, मैंने सिंपली लिखा है यहाँ पे क्वांटिटी, क्वांटिटी में मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, यहाँ पे लिख दिया 4, अब मैं यहाँ पर आया, गड़बड़ हुआ क्या, तो यहाँ पे मैंने ये ऐसा कुछ लिखा, अपन यहाँ पर आए, तो अभी ऐसा हो तो रहा है, लेकिन अभी यहाँ पर कुछ प्रिंट नहीं हुआ आपका है ना, तो गड़बड़ है यहाँ पर, आपकी प्रिंट होना चाहिए थी वैल्यू। अपन आते हैं वापस से यहाँ पर,
उसको सेव करते, सेव करके अपन करेंगे क्या यहाँ पर, आप ध्यान से देखना, मैंने बोला डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट्स बाय आईडी और ए लिखा, मैंने बोला अगर फील्ड इक्वल्स टू कितनी होती है, 1 होती है, तो अपन ने क्या लिखा है, एरे ऑफ फील्ड माइनस 1 डॉट वैल्यू, हाँ तो अपन ने वैल्यू लिखा है ना यहाँ पर, है ना, क्या नहीं, तो आपने यहाँ पर डायरेक्टली ऐसा लिख दिया है ना, डॉट वैल्यू लिखा है ना, क्योंकि ये तो आपकी इनपुट फील्ड है ना, इनपुट फील्ड है तो वो वैल्यू तो आ ही जाएगी ना यहाँ पर, ठीक है, तो आपने यहाँ पे लिखा है कितना, तो आपने यहाँ पे लिखा है एरे ऑफ फील्ड माइनस वन डॉट वैल्यू, है ना, और उसमें यहाँ पे क्या लिखा है, क्यू टी वाई इन टू, आपने यहाँ पे लिखा है कितना, प्राइस लिखा है आपने, है ना, बट ये आपकी जो प्राइस है ये जाकर इधर सेट नहीं हो रही है, तो अपन एक काम करते हैं यहाँ पर आकर अपन एक बार ये देखते हैं कि बाकी की चीज़ें चल भी रही है या नहीं चल रही है, तो मैंने लिखा है यहाँ पर अलर्ट, और अलर्ट की जगह मैंने लिखा है यहाँ पर कंसोल डॉट, मैंने अब लिखा है लॉग, यहाँ पर आकर अपन करेंगे क्या, तो मैंने लिखा है क्यू टी वाई क्वान्टिटी, क्वान्टिटी में मैंने क्या करा है यहाँ पर, मैंने लिखा है यहाँ पर क्यू टी वाई, यहाँ पर ये क्वान्टिटी प्रिंट कर कर देगा, क्वान्टिटी के साथ मैंने इसे कॉपी किया पेस्ट और पेस्ट किया, अपन यहाँ पर क्या लिख लेते हैं प्राइस, यहाँ पर अपन क्या करेंगे, तो मैंने यहाँ पर लिखा है क्या पी आर आई सी प्राइस, और यहाँ पर अपन क्या करेंगे, तो अपन यहाँ पर फिर फाइनली आकर लिख देंगे पी आर आई सी प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्वान्टिटी, यहाँ पर अपन क्या लिख देंगे, तो मैंने यहाँ पर लिखेंगे टोटल या अमाउंट, ठीक है, मैंने ऐसा लिखा, अपन ने इसको सेव किया, अपन यहाँ पर आए, यहाँ पर आए, अपन ने इसको रिफ्रेश किया, रिफ्रेश करने के बाद मैंने राइट क्लिक किया, मैंने इसे इंस्पेक्ट किया, इंस्पेक्ट करके अपन किसको ओपन करेंगे यहाँ पर कंसोल, कंसोल पर अपन आ गए, कंसोल पर आने के बाद में अब आप यहाँ पर करेंगे क्या, तो अब आप ध्यान से देखना है यहाँ पर, आपने यहाँ पर कितना लिखा है, आपने लिखा 56, आप यहाँ पर आए, आपने लिखा 67, तो देखो ये आ तो रहा है ना, आपने 56 और ये 336 लिखा है ना, मतलब आपने जैसे ही 5 लिखा तो ये इतना हुआ, अब जैसे मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पर कितना लिखा, मैंने लिखा यहाँ पर 9, तो देखो यहाँ पे 56 प्राइस और ये अमाउंट आपका बढ़ते जा रहा है ना, ठीक है, तो अपने इधर से लिखते जा रहे हैं और इधर से वो अमाउंट बढ़ते जा रहा है, बस ये दिक्कत ये है कि अपन ने इधर शायद तक कुछ गड़बड़ करी है, यहाँ पर आकर एक बार फिर से इसको चला कर देखते, मैंने बोला अगर फील्ड इक्वल्स टू फील्ड के अंदर जो वैल्यू आ रही है अगर वो इक्वल्स टू क्या होता है, 1 होता है, ठीक है, तो उस केस में अपन क्या करेंगे कि ए ऑफ फील्ड माइनस 1, तो फील्ड मतलब कितना आ रहा है, 1 माइनस 1 मतलब एरे ऑफ 0, और एरे ऑफ 0 के बाद में अगर अपन बात करें तो आप देखे यहाँ पर ये चलता हुआ दिख रहा है, दिख रहा है ना यहाँ पर, हाँ वो कुछ नहीं, वो प्लस वो सेव वगैरह नहीं करा होगा, ये चेंज तो कुछ भी नहीं करा ना, वो का वही लिखा हुआ है अपने, आप देखेंगे यहाँ पर आप जैसे जैसे नंबर बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे आपकी आपका अमाउंट उधर बढ़ता जाएगा, मैं सही है ना, जैसे बिल कैसे जनरेट होता है कि आपने कितनी क्वांटिटी ली, आपने ली यहाँ पर भैया आपने 10 क्वांटिटी ली है, तो एक की प्राइस कितनी है, तो एक की प्राइस है 224 रुपये, तो टोटल 234 रुपये, तो टोटल कितना हो गया 2340, मैं ठीक है, तो अपन आ जाते हैं वापस से यहाँ पर, अब यहाँ आने के बाद अपन अब करेंगे क्या, तो और इसमें एक काम ये कर सकते हैं अपन यहाँ पर क्या, यहाँ पर मैंने लगा दिया क्या एम परसेंट 8733 एम परसेंट हैश, मैंने लिखा 5, मैंने लिखा यहाँ पर ये ऐसा गड़बड़ करी 8377, एक सेकेंड यहाँ पर आए, मैंने लिखा 6, मैंने यहाँ पर लिखा ही ऐसा कुछ गड़बड़ कर रही क्या यार, सर हैश थोड़ी आता है एम परसेंट हैश, बट वो नहीं चल रहा है ना, तो ठीक है समझते हैं, वो तो अपन लगा देंगे, अपन ये आगे के कोड चला लेते,
यहाँ तक सभी को समझ में आया क्या? ठीक है, अगर अपन बात करें वो करना क्या है यहाँ पर, तो ठीक है यहाँ तक तो अपन आ गए। अब इसके बाद में अपने को ये करना है कि बाकी अगर मैं नीचे भी कुछ लिखता हूँ तो नीचे वाले में भी सेम कैलकुलेशन परफॉर्म हो। तो अपन क्या करेंगे, तो ये तो अपन ने ऐसा कुछ लिख लिया। अब उसके बाद में अगर फील्ड इक्वल टू वन नहीं होती है तो अपन यहाँ पर आएंगे। यहाँ आने के बाद में अपन अब चेक करेंगे कि अगर FIELD फील्ड इक्वल टू क्या होती है, टू होती है। तो अब उस केस में क्या, अगर टू होती है तो उस केस में भी सेम अपन क्या करेंगे यहाँ पर, तो सेम आप यहाँ पर इसको कॉपी करेंगे और कॉपी करने के बाद आप क्या कर देंगे यहाँ पर इसको पेस्ट कर देंगे। आपने क्या करा यहाँ पर, फील्ड -1 डॉट वैल्यू और क्वांटिटी आ जाएगी आपके पास में। आपने इसको सेव किया, सेव करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर आप आए, यहाँ आने के बाद आपने लिखा 6, यहाँ पर आपने लिखा 67, आपने यहाँ पर लिखा कितना 3, आपने यहाँ पर लिखा कितना इतना, बट यहाँ पर अभी आया नहीं आपका, है ना। तो अपन ने कुछ गड़बड़ करी है यहाँ पर, तो क्या नहीं, ये तो -1 नहीं आएगा ना। अपन ने नीचे क्या लिख के रखा हुआ है यहाँ पर, Q1, और अपन ने क्या लिख के रखा हुआ है, P2, है ना। और यहाँ पर अपन ने क्लास ही लिख के रखा हुआ है, यहाँ पर अमाउंट ही लिख के रखा हुआ है अपन ने, और मिनिमम और मैक्सिमम भी लिख के रखा हुआ है P1 और Q1। यहाँ पर अपन ने ऑन किया, अब ये कॉल नहीं किया है ना। अपन यहाँ पर आए, मैंने यहाँ पर इसे क्या किया है, कॉपी किया, और कॉपी करने के बाद में अपन यहाँ पर आए, और यहाँ पर आकर अपने को क्या करना है, अपने को उसको कॉल करना है। अब यहाँ पर आप कॉल करेंगे तो हो जाएगा, लेकिन अब यहाँ पर आपको क्या पास करना पड़ेगा, यहाँ पर आपको 2 पास करना पड़ेगा। अब यहाँ पर आए, यहाँ पर आने के बाद आपने क्या करा है, अब यहाँ पर आए, अब एक गड़बड़ हो गई, देखो यहाँ पर ये क्या हो रहा है, यहाँ पर आने के बाद में वो 3385 अपने आप ही दे रहा है यहाँ पर, है ना। ये वो ऊपर जो आपने लिखा है यहाँ पर, यहाँ पर भी आ गया, ठीक है। तो की अप करने पर ये गड़बड़ी हो रही है यहाँ पर। अभी की अप करने पर आपको ये चेक करना पड़ेगा क्या, कि अब आप यहाँ पर आए, यहाँ पर आने के बाद में अपने सेकंड वाले में क्या करा है यहाँ पर, तो कैलकुलेट बिल अब अपने करा, अभी तो गड़बड़ है ना यहाँ पर, Q2 आएगा यहाँ पर, P2 आएगा ना, ठीक है। अपन आते हैं यहाँ पर, अब मैंने यहाँ पर ये लिखा, मैंने ये लिखा, तो यहाँ पर आने के बाद अपन क्या करेंगे, मैंने लिखा 4 और मैंने लिखा यहाँ पर ऐसा कुछ, ठीक है। अब बस अपने को ये करना है कि अब मैं GST पे कुछ लिखूँ तो बस ये टोटल अमाउंट यहाँ पर मेरे पास में मुझे मिल जाए। तो अब GST पर अगर अपन कुछ लिखते हैं यहाँ पर, तो GST का ये दे के रखा हुआ है। अब यहाँ पे GST जो दे के रखा है, तो उसके हिसाब से अपन करेंगे क्या यहाँ पे, तो लिखा है ऑन, ऑन के बाद में क्या करेंगे अपन यहाँ पे की अप, ऑन की अप पर अपन क्या करेंगे, तो अपन यहाँ पे लिखेंगे CALCULAT कैलकुलेट, यहाँ पे फंक्शन की मैंने कॉलिंग करी है, और इसके अंदर अपन किसको पास कर देंगे, तो अपन पास कर देंगे यहाँ पे जो GST है आपका, GST है ना डॉट वैल्यू, देख सकते हैं ना अपन, ऐसा जो आपकी आईडी है उस आईडी डॉट वैल्यू को अगर आप लिख दोगे तो वहाँ की उसकी क्या हो जाएगी, वैल्यू ऊपर पास हो जाएगी। तो अपन यहाँ पे क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे अपन, अपन आते हैं यहाँ पर, और यहाँ आने के बाद मैंने क्या करा है, तो मैं यहाँ आया, मैंने यहाँ पर लिखा है फंक्शन, फंक्शन में मैंने लिखा CALCU कैलकुलेट, कैलकुलेट में अपन क्या करेंगे यहाँ पर, तो अपन पास करते हैं यहाँ पे GST। अपन यहाँ पर आ गए, अब यहाँ आने के बाद मैं करूँगा क्या, अब यहाँ आने के बाद में अगर अपन बात करें, तो अब यहाँ आने के बाद अपन करेंगे क्या, तो आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पे वेयर, वेयर में आप क्या लिखेंगे, तो आप यहाँ पर लिखेंगे POTL टोटल इक्वल्स टू, टोटल इक्वल्स में आएगा क्या यहाँ पर, तो अब ये जो आपके पास में ये थी A ऑफ फील्ड -1, है ना, A ऑफ फील्ड मतलब ये जो आपको दे के रखा हुआ था। तो अपने काम करते हैं यहाँ पर, ये जो ये दे के रखा हुआ है इसको मैंने यहाँ से करा है कट, और इसको कट करने के बाद में अगर मैं यहाँ पर इसको ऊपर लिख दूँ तो कोई दिक्कत है क्या? अब जब जैसे जैसे आप यहाँ पे की अप करेंगे तो उसके अंदर वैल्यू तो आती जाएगी आपके पास में, है ना। लेकिन अगर अपन बात करें कि ये पहले ही अगर बात करें अपन देखे तो गड़बड़ हो जाएगी, तो नल चले जाएगा ना उसमें, तो पहले वाले में वो नल चले जाएगा अगर आप उसको बाहर लिखने की कोशिश करते हो। हमने उसको सेव किया, आप उसको चलाएंगे अगर आप यहाँ पर आए, चल रहा है ना, ये दिक्कत नहीं आएगी। मैं इसको चलाऊं यहाँ पर, मैंने लिखा अलर्ट, और अलर्ट में मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, मैंने लिख दिया यहाँ पर ए ऑब्जेक्ट एचटीएमएल कलेक्शन दे रहा है यहाँ पर, या फिर नल नहीं दे रहा है यहाँ पर, है ना।
वो उसका कलेक्शन आपको दे रहा है, वो नल नहीं दे रहा है आपको। तो अगर ये यहाँ पर बाहर अगर चल गया तो आपकी फिर प्रॉब्लम सॉल्व होगी। कैसे आप देखें यहाँ पर आप करेंगे क्या, तो आपने यहाँ पर आया वैट टोटल, और टोटल पर आने के बाद में आप क्या करोगे यहाँ पर, तो टोटल पर आने के भी पहले अगर अपन बात करें अपन करेंगे क्या यहाँ पर, तो अपन लिखेंगे यहाँ पर फॉर लूप है ना, और उसके भी पहले मैं यहाँ पर क्या करूँगा, तो मैं यहाँ पर आकर लिखूंगा सिंपली क्या अपना वेर, वेर में मैंने लिखा है यहाँ पर कितना, मैंने लिखा है यहाँ पर वेर में अपन लिख लेते हैं यहाँ पर टी ओ टी एल टोटल इक्वल्स टू अपन क्या लिखेंगे यहाँ पर डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आई डी, और गेट एलिमेंट बाय आई डी की केस में अपन क्या करेंगे यहाँ पर, तो मैंने यहाँ पर लिख लिया क्या टोटल है ना, वो मैंने गेट कर लिया। अपन यहाँ पर आए, यहाँ पर आकर मैं क्या लिखूंगा वेर, मैंने लिखा आई इक्वल्स टू जीरो से आई इज लेस देन, अपन कहाँ तक जाएंगे एरे ऑफ है ना, एरे ऑफ कहाँ तक जाएंगे अपन, तो अपन लिखेंगे जो ए है ए डॉट, अपन लिखेंगे यहाँ पे लेंथ तक जाएंगे, और अगर अपन क्या करेंगे आई को प्लस प्लस, कोई दिक्कत है क्या। अपन यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर आकर अपन क्या करेंगे, तो वेर, वेर में मैंने लिखा है पे सम, और सम इक्वल्स मैंने कितना लिख लिया है जीरो, अपन क्या करेंगे सम इक्वल्स टू सम प्लस, यहाँ पर कितना जाएगा आपके पास में ए ऑफ आई है ना डॉट वैल्यू। अब यहाँ पर आएंगे तो आपको सम तो मिल जाएगा, और सम मिलने के बाद आप करेंगे क्या यहाँ पे, तो आप लिखेंगे यहाँ पे टी ओ टी ए एल टोटल डॉट वैल्यू, टोटल डॉट वैल्यू इक्वल्स टू आप क्या लिखेंगे जी एस टी परसेंट में आएगा, जी एस टी डिवाइडेड बाय 100 है ना, तो यहाँ पे क्या लिखोगे आप, तो जी एस टी डिवाइडेड बाय 100 इंटू जितना सम आएगा उसका सम प्लस उसमें क्या करेंगे आप यहाँ पर सम, देखते एक बार लिखा तो है ना क्या सब कुछ सही लिखा है क्या, तो क्या ये जीएसटी जो देके रखा हुआ है, जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास में 100 रुपीज है, मैंने बोला 10%, तो आप क्या करेंगे यहाँ पर कि जो 100 है तो 100 इंटू 10 अपॉन 100 करेंगे, तो 100 से 100 कैंसिल तो बचेगा 10, और उसमें फिर ओरिजिनल सम कल ऐड करेंगे, तो 100 का 10% आपको ऐड होकर आपके उसमें अमाउंट में मिलेगा, तो हो जाएगा 110। मैंने इसको सेव किया, अपन यहाँ पर आते हैं, मैंने इसको रिफ्रेश किया एक बार चला कर देखते हैं कैसे क्या दिख रहा है, मैंने लिखा है यहाँ पर 1, मैंने लिखा है यहाँ पर 20, मैंने यहाँ पर लिखा 3, मैंने लिखा है यहाँ पर 87, अपन यहाँ पर आए यहाँ आकर मैंने कितना लिखा, मैंने लिखा 2.3, यहाँ पर कितना हो जा रहा है यहाँ पर, ये इतना कुछ टोटल हो रहा है, सही जा रहा है क्या यहाँ पर, कुछ गड़बड़ हो रहा है, 261 है ना, 261 271 281 281 की केस में तो ये बहुत ज़्यादा ही अमाउंट ले रहा है ना आपका। तो अगर अपन बात करें तो यहाँ पर होगा क्या, अब ये देखो ये हुआ क्या, ये देखो 20261 ये कॉन्केट हो रहा है मेरे हिसाब से, देखो यहाँ पर है ना, ये तो यहाँ पर कॉन्केट हो गया है ना, अब कॉन्केट हो गया है तब ये कॉन्केट को अब आप क्या करेंगे यहाँ पर, कि यहाँ पर आकर आपको लिखना क्या पड़ेगा, तो आपको लिखना पड़ेगा पी आर एस पार्स एंड, आप यहाँ पर आए, यहाँ पर आकर आपने इसको सेव किया, सेव करके आप यहाँ पर आए, अब देखिए इधर यहाँ पर आपने कितना लिखा 5, आपने लिखा 12, लिखा 5, इधर लिखा आपने 20, 100 आप यहाँ पर आए, आपने लिखा यहाँ पे 2.3, 160 पर इतना लग रहा है, अगर आप लिखो 23% तो इतना लगेगा, फिर आप एक काम करो क्रॉस चेक करने के लिए, अब ऐसा कर दो 8 43 हो गया, और 5 × यहाँ पर कितना कर दोगे आप 12, ये कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, 100 पर अपन कितना लिखते हैं फिर 10, तो 110 होना चाहिए, सही है ना, मैंने 5 लिखा कितना हो गया, मैंने लिखा 2.5, ये इतना हो गया, क्लियर है यहाँ तक है ना। तो आपने करा क्या यहाँ पर, आपने इधर क्वांटिटी लिखी है, इधर आपने प्राइस लिखा है, और उधर आपको क्या मिलता जा रहा है अमाउंट ऑटोमेटिक मिलता जा रहा है, आप जीएसटी अगर लिखते जा रहे हो तो ऑटोमेटिकली वो उतना कैलकुलेट होकर ही आपको ऐसा देखने को मिल रहा है, क्लियर है, ठीक है, और इसमें आपने यहाँ पर ऐसा कुछ कंसेप्ट इंप्लीमेंट किया है।
और रही बात इधर की, तो इसमें अगर आपने डॉक्यूमेंट और गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम लिख के रखा हुआ है ना, तो ये आपने ऊपर लिख के रखा हुआ है और उसके बाद में बाकी की चीज़ें आपने मेंशन करके रखी, क्योंकि कैलकुलेट के अंदर आपको किसकी रिक्वायरमेंट लग रही थी, वो ए ऑफ आई की वैल्यू लग रही थी है ना, ए ऑफ आई में आपको उसकी वैल्यू लग रही थी राइट। ठीक है, इसमें किसी को कोई दिक्कत है क्या, एक बार आप गो थ्रू कर लो, इसमें किसी को कोई दिक्कत है, किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं, देख लो पहले एक बार इसको देख लो। क्या आया ना टोटल, आ तो गया ये नहीं, ये प्राइस सब तो आ गया, 5840, 5160, 2.5% के हिसाब से जो टोटल अमाउंट था 102.5, आ तो गया। हाँ जीएसटी इंक्लूड कर आया, आप जितना जीएसटी लिखेंगे, आपने यहाँ पे लिखा है 78 लिख दिया, तो ये 78 अच्छा हो गया, तो आप देख लो यहाँ पर एक बार। ले रहे हैं तक, ठीक है, ये तो कंसेप्ट आपने यहाँ पर कुछ इस टाइप से ऐसा इंप्लीमेंट कर देखा है राइट। फिर अब अगर अपन बात करें इसके अलावा और क्या आता है, तो अब ये तो इवेंट्स का कंसेप्ट यहीं पर अपन स्टॉप करते हैं ना, जिसमें आपने स्टॉप वॉच बनाकर देखा, ऐसा बिल वाला बनाकर देखा, आपने इमेज को स्वैप करवा कर देखा, मैंने आपको जूम इन जूम आउट वाला कंसेप्ट बनाने के लिए दिया था, मैंने माउस वगैरह के इवेंट, कीबोर्ड की ऐप वगैरह के इवेंट्स आपको बताया है ना, तो ये सारी चीज़ें आप लोगों ने यहाँ पर इवेंट की केस में डिस्कस करी है। इसके अलावा आप जितनी चीज़ों को एक्सप्लोर कर सकते हो है ना, उतनी चीज़ें आप और एक्सप्लोर करेंगे राइट। इसके अलावा अगर हम बात करें कि अब क्या आता है, तो अब इसके अलावा एक छोटा सा टॉपिक लेते हैं अपन, तो छोटे से टॉपिक में आपने देखा होगा, आपने सुना होगा लेट, वेर और कॉन्स्ट के बारे में है ना। अगर हम बात करें वेर की, तो वेर मतलब आप ऐसा बोल सकते हो कि वो ES5 स्टैंडर्ड तक तो चलता था है ना, चलता था मतलब चलता था अभी भी है, लेकिन सिर्फ ES5 तक वही चलता था है ना, लेकिन ES6 स्टैंडर्ड से क्या हुआ, ES6 बोले तो ECMAScript स्टैंडर्ड 6 से क्या हुआ कि अब यहाँ पर लेट और कॉन्स्ट भी आपके एग्जिस्टेंस में आ गए। अब तीनों में डिफरेंस क्या है, तो आप ऐसा बोल सकते हो कि जो लेट और कॉन्स्ट होता है वो ब्लॉक स्कोपिक होता है, और जो वेर होता है वो फंक्शन स्कोपिक होता है। ठीक है, अब क्या और कैसे, तो उसका एग्जांपल अगर हमें देखना है यहाँ पर, तो अपन आते हैं और यहाँ आने के बाद में मैं एक काम करता हूँ, मैं फाइल पर आया, मैंने करा ओपन फोल्डर, और यहाँ पे फंक्शन के बाद में अपन एक काम करते हैं, यहाँ पर अपन लिखते हैं क्या, अपन यहाँ पे लिखते हैं प्रोटोटाइप, ठीक है, प्लस वेरिएबल्स है ना, लेट वेयर कॉन्स्ट वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए, फंक्शन को डिक्लेयर करने के लिए होता है, और प्रोटोटाइप का कंसेप्ट एक अलग ही कंसेप्ट है, तो मैंने एक फोल्डर ही बना लिया है कि वेरिएबल ये वेयर लेट कॉन्स्ट के बाद में अपन फिर प्रोटोटाइप का कंसेप्ट देखेंगे, तो इसलिए अपन यहाँ पर आ गए। अब यहाँ आने के बाद मैंने करा किया, तो ध्यान से देखना, यहाँ पर आकर अपन एक फाइल क्रिएट कर लेते हैं बाय द नेम demo1.html, बना देते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर आने के बाद में अगर मैं बात करूँ करना क्या है अपने को, तो अपन यहाँ पर एक्सक्लेमेटरी मार्क स्पीकर या फिर ठीक है, अपन डायरेक्टली यहाँ पे लिखते हैं क्या स्क्रिप्ट, यहाँ पर आया। अब यहाँ आने के बाद में मैं करूँगा क्या, तो यहाँ आने के बाद में मैंने सिंपली लिखा है वेर, वेर में मैंने क्या लिखा है यहाँ पर, ए इक्वल्स टू मैंने लिखा है यहाँ पर 100, लिखा है वेर नहीं, मैंने यहाँ पे लिखा है फिर लेट है ना, बी इक्वल्स टू मैंने कितना लिखा है यहाँ पर 200, मैंने लिखा है यहाँ पर कॉन्स्ट, कॉन्स्ट मैंने क्या लिखा है सी इक्वल्स टू यहाँ पर मैंने कितना लिख लिया है 300 राइट, ये मैंने ऐसा कुछ लिखा। अब ऐसा लिखने के बारे में अपन करेंगे क्या यहाँ पर, अब तो मैंने यहाँ पर आकर लिखा है डॉक्यूमेंट डॉट, अपन क्या करेंगे यहाँ पे राइट, और डॉक्यूमेंट डॉट राइट में मैंने यहाँ पे किसको प्रिंट करवा दिया, तो मैंने यहाँ पर br लिखा,
दिया लिख कर मैंने यहाँ पे सबसे पहले तो ए को प्रिंट करवाया, दस करके मैंने यहाँ पे कितना लिख दिया है ए, मैंने इसे कॉपी किया, कॉपी करके पेस्ट और पेस्ट किया, मैं यहाँ पर आया मैंने यहाँ पे कितना कर दिया है बी, मैंने यहाँ पे कितना कर दिया है सी, मैं यहाँ पर आया मैंने लिखा बी, मैंने यहाँ पे कितना कर दिया सी, इसमें कोई दिक्कत है क्या किसी को? ठीक है, अगर अपन बात करें अब नो करना क्या है यहाँ पर, तो यहाँ तक तो बना गए। अब इसके बाद में अगर मैं बात करूँ कि मैं फिर से ए बी और सी की वैल्यू को चेंज करवाना चाहता हूँ, या इसको अपन पहले प्रिंट ही करवा कर देखते, तो मैं यहाँ पर आया और मैंने यहाँ पर आकर इसको रन करने के लिए वेब ऐप क्रोम को ओपन किया। आप देखेंगे यहाँ पर आपको कितना मिल रहा है, 100, 200, 300। आपने राइट क्लिक किया, आप इंस्पेक्ट पर आए, इंस्पेक्ट पर आने के बाद में आप किस पर आ जाएंगे, आपके कंसोल पर। ठीक है, अपन यहाँ पर आ गए, यहाँ आने के बाद में वर्क किया, अब ध्यान से देखना अब यहाँ पर आए, अब इसको रिफ्रेश किया, ठीक है तो ऐसा आ रहा है। अब मैं वापस से आया यहाँ पर, और यहाँ पर आने के बाद में मैंने अब क्या करने की कोशिश करी है, तो मैंने यहाँ पर अब ए के अंदर 200 रखने की कोशिश करी है। ठीक है, मैंने इसको सेव किया, सेव करने के बाद मैंने रिफ्रेश किया, देखो 200 हो गया। मैंने बोला आप क्या करेंगे अपन यहाँ पर, तो मैंने बोला एक काम करते अपन बी के अंदर अभी 343 रखते हैं। इसको सेव किया, मैं यहाँ पर आया, बी के अंदर 343 हो गया। लेकिन अगर मैं बात करूँ अब मैंने यहाँ पे क्या किया, मैं सी पर आया और सी पर आने के बाद मैंने लिखा है यहाँ पे 22। इसको सेव किया, मैं यहाँ पर आया, मैंने रिफ्रेश किया, देखो इसने एरर दे दिया है ना, टाइप एरर में क्या बोल रहा है वो, असाइनमेंट टू कॉन्स्टेंट वेरिएबल है ना, मतलब कॉन्स्टेंट वेरिएबल को आप रीअसाइन करने की कोशिश करें तो आपको क्या दे देगा यहाँ पर, एरर दे देगा। तो ये तो आपको भी समझ में आ ही गया है ना कि अगर वेर में अगर आप रखेंगे तो वो चेंज हो जाएगा, अगर आप लेट में रखेंगे तो भी चेंज हो जाएगा, लेकिन अगर आप कॉन्स में रखेंगे तो वो वैल्यू चेंज नहीं होगी। क्लियर नहीं आता? ठीक है, अब फिर अगर बात करें आप क्या, तो ठीक है इसने तो मेरे को एरर भी दिया यहाँ पर। हाँ, अगर आपने वेर नहीं लिखा और डायरेक्टली 100 लिख लिया तो उसको ऑटोमेटिकली बोलते हैं, ऑटोमेटिक या ऑटोमेटिकली है ना, वो भी एक बिना किसी कीवर्ड से रिप्रेजेंट करने वाला वेरिएबल बोलते बना सा, राइट? लेट या वेर या कॉन्स्ट, इन तीनों से आप अगर आपके वेरिएबल को अगर डिफाइन करते हैं तो ये गुड प्रैक्टिस होती है, अदरवाइज आप तीनों ही ना लिखे हो डायरेक्टली वेरिएबल के नाम के अंदर वैल्यू रख के काम कर ले तो भी चल जाता है। क्या कंसिडर होता है? तो वो ऑटोमेटिकली कंसिडर होता है, वो ग्लोबल कंसिडर होता है, खुला, उसकी वैल्यू हर जगह कोई भी यूज कर सकता है, है ना, उस स्क्रिप्ट के अंदर। नहीं बता रहा हूँ ना इसमें डिफरेंस क्या है, यहाँ तक समझ में आया? अब यहाँ आने के बाद में आप करेंगे क्या, तो आपने यहाँ पर एक ब्लॉग बनाया, ठीक है, ब्लॉग बनाने के बाद में आपने क्या करा यहाँ पर, तो ब्लॉग बनाने के बाद में आपने ए के अंदर रखा कितना, ए के अंदर रखा आपने यहाँ पे 20 है ना, बी के अंदर आपने कितना रखा यहाँ पे, आपने रखा 30। ठीक है, और अब आपने यहाँ पे क्या करा है, आपने यहाँ पर अब ए और बी की वैल्यू को प्रिंट करवाया। ठीक है, तो अपन आते हैं यहाँ पर, अब मैंने यहाँ पर ए और बी को क्या करवाया, यहाँ पर प्रिंट करवाया, और अपन एक काम करते हैं यहाँ पर सी भी रख ही लेते हैं, मैंने रखा सी में 40। अपन यहाँ पर आते हैं, मैंने उसको यहाँ पर पेस्ट करा, तो मैंने ऐसा हटा दिया, तो यहाँ पर क्या आएगा ए बी, और मैंने कितना लिखा है यहाँ पर सी, दिक्कत। ठीक है, और अब अगर अपन बात करें अब क्या करेंगे अपन यहाँ पर, तो अपन यहाँ पर आए और यहाँ पर आकर मैंने इसे कॉपी किया, कॉपी करके मैंने इसको यहाँ पर पेस्ट किया। ठीक है, मैंने इसको सेव किया, अब देखना यहाँ पर कैसे क्या आउटपुट आपको देखने को मिलेगा। तो अपन आते हैं यहाँ पर, मैंने इसको रिफ्रेश किया, कौन सा वाला एग्जाम्पल था, डेमो वो नहीं था क्या? हाँ, तो लिखा है ना अपन ने, कुछ गलत लिखा है क्या? वैल्यू चेंज हो रही है, अच्छा ठीक है, वो ये बोला असाइनमेंट टू कॉन्स्टेंट वेरिएबल, और ये कॉन्स्टेंट वेरिएबल बोले तो ये यहाँ पर लाइन नंबर 14 पे दिक्कत दे रहा है। आपने यहाँ पे क्या लिख के रखा हुआ है, ये सी को कांस्टेंट बना के रखा हुआ है, और आप यहाँ पे 14 नंबर की लाइन पर सी में क्या कर रहे हो, वैल्यू को असाइन करने की कोशिश कर रहे हो ना, जिसकी वजह से वो दिक्कत दे रहा है, वो आगे नहीं बढ़ पा रहा है। आप उसको कमेंट करें और आप इसको रन करें, आप देखो क्या मिला आपको, आपको यहाँ पर मिला 190, 200, 300, फिर आपको मिला 20, 30 और 300, और फिर बाहर भी आके क्या मिला आपको 20, 30 और 300 है ना। लेकिन अब अगर मैं बात करूँ है ना,
अब ये तो समझ में आया ना, ये हुआ क्या यहाँ पर, है ना? अब ये तो आपने सुनो ठीक है, ऐसा कुछ लिखा है ना, लेकिन अब देखना ध्यान से, अगर मैं यहाँ पर ऐसा कुछ लिख देता वेर, वेर के बाद मैंने क्या लिखा यहाँ पे, फिर से मैंने लिख दिया यहाँ पे वेर नहीं, हाँ यहाँ पे तो वेर ही लिखा, यहाँ पे मैंने लिखा है लेट, और लेट के बाद मैं यहाँ पे क्या करूँगा, तो यहाँ पे तो सी अपन लिख नहीं रहे थे, है ना? मैंने वेर ए इक्वल टू 20 लिखा है और वेर बी इक्वल टू 30 लिखा है, मैंने इसको सेव किया, सेव करने के बाद में अभी देखो, अभी इसके पहले क्या प्रिंट हो रहा था आपका, ए और बी में 20 और 30 प्रिंट हो रहा था, अब मैंने इसको यहाँ पर सेव किया, रिफ्रेश किया, अब देखो वहाँ पर ए और बी में कितना प्रिंट हो रहा है आपका, 20 और 200, मतलब कुछ समझ में आया? बी में कितना प्रिंट हुआ वहाँ पर, 200, बी में यहाँ पर 30 प्रिंट नहीं हुआ, पहले तो 30 प्रिंट हो रहा था ना वहाँ पर, अब नहीं हुआ 30, क्यों? क्योंकि वो क्या है आपका ब्लॉकोस्कोपिक, ब्लॉकोस्कोपिक मतलब कि जो आपने लेट और बी को 30 लिखा है तो वो सिर्फ उसी ब्लॉक में काम करेगा, उस ब्लॉक के बाहर वो काम नहीं करेगा। क्लियर है? लेकिन अगर यह वेर की मैं बात करूं तो वेर ए की जो वैल्यू 200 थी, तो वो देखो यहाँ पर ए की वैल्यू कितनी है, वो 20 ही कंसिडर हुई है ना, और बाहर जाकर भी जब आप उसको प्रिंट करवा रहे हैं तो वो 20 ही प्रिंट कर दे रहा है। वेर ग्लोबल है, ग्लोबल मतलब वो फंक्शन स्कोपिक होता है, और अभी अगर अपन बात करें कि वो एक स्क्रिप्ट के अंदर वहां पर ऐसा ग्लोबली ट्रीट हो रहा है वो। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, और इसी की जगह अगर आप इसको रिप्लेस करो इससे, आपने यहाँ पे इसको करा है 2, आप यहाँ पर आए, यहाँ पर आप क्या कर दो, आप लिख दो यहाँ पर फंक्शन माय फन, है ना, और आपने यहाँ पे क्या कर दिया, आपने यहाँ पर कॉल कर दिया माय फन को। ठीक है, अभी तो ए की वैल्यू चेंज हो रही थी ना, है ना, अब देखना आप ए की वैल्यू क्या होगी। तो अब अगर अपन बात करें यहाँ पर, अपन ने इसको सेव किया, अपन यहाँ पर आए, यहाँ पर आकर मैंने क्या किया है, मैंने यहाँ पर सिंपली क्या लिखा है, मैंने 2 लिखा, अब देखो यहाँ पर ए की वैल्यू चेंज हुई क्या, ए की वैल्यू 190 है ना, क्योंकि ए का वैल्यू ऑब्वियसली चेंज नहीं, क्योंकि ए क्या होता है फंक्शन स्कोपिक, तो उसका स्कोप सिर्फ वहीं तक है, उसका स्कोप वहां से बाहर नहीं। समझ में आया? क्लियर है? तो ये कुछ कंसेप्ट आपको देकर रखा हुआ है, आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे, है ना, बाकी फिर इसके आगे का कंटिन्यू करेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट क्लास में मैं फिर आपको बताऊंगा प्रोटोटाइप्स। मतलब फंक्शन के बारे में तो एक्सेस नहीं कर सकते, लेट एक्सेसिबल है, लेट हो ही रहा है ना शायद, एक्सेस हो रहा है कि नहीं हो रहा है, लेट की अगर अपन बात करें तो लेट भी वो वहीं तक एक्सेसिबल है, यहाँ पे आप अगर बी की वैल्यू को प्रिंट अगर करवा रहे हो तो वो बी की वैल्यू वो कितनी दे रहा है, यहाँ पर बाहर आपको 200 दे रहा है। क्या तो फंक्शन के केस में तो जो स्कोप हो जाता है आपके वेरिएबल का वो लोकल हो जाता है। ठीक है, तो आपने वह ए इक्वल्स टू 200 लिखा है, आपने लेट बी इक्वल्स टू वापस से कितना लिखा हुआ है, आपने 30 लिख के रखा हुआ है। ठीक है, और फिर से वापस से आपने क्या लिख के रखा हुआ है यहाँ पर, आपने यहाँ पे वापस से आके बाहर उसको कितना कर दिया है, ए बी सी को प्रिंट करवाया है, तो उसके बाद में आप देखेंगे बी की वैल्यू वो बाहर वाली ही आपको प्रिंट कर देने का काम कर रहा है, अंदर उसने 30 प्रिंट कर दिया है, बाहर उसने वो 200 प्रिंट किया है। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, अपन जिसमें यूज करना चाहे जैसे यूज करना चाहे, डिपेंड करता है आपकी सिचुएशन के ऊपर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सभी को? ठीक है, तो ये कंसेप्ट अपन यहीं पे स्टॉप करते हैं, इसके आगे कंटिन्यू करेंगे फिर अपन नेक्स्ट क्लास में।